देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है हमारी बेसन की बर्फी। मैं आपको वापस से तोड़ के दिखाती हूँ। सिर्फ 3 चीजों से हम आसानी से घर पे बना सकते हैं बेसन की बर्फी, तो इस लॉकडाउन में बनाइए और खाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल एंड वेलकम टू माय चैनल कोमल लाइफ। आज मैं लेके आई हूँ बेसन की बर्फी की रेसिपी, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 बाउल बेसन, 1 बाउल घी। हमने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 बाउल बेसन, यानी हमें बेसन का आधा हमें घी चाहिए। पहले मैं यहाँ पर बेसन ऐड कर रही हूँ। इसे 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही मैं भूनूंगी। मीडियम मेरी गैस की फ्लेम है, अच्छी तरह से हम इसे 3 से 4 मिनट तक चला चला कर भून लेंगे ताकि इसमें जो लम्स हैं वो अच्छी तरह से ब्रेक हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 मिनट बाद घी। हमें यहाँ बेसन का आधा ही घी लेना है, नहीं तो जो हमारी बर्फी बनेगी उसमें सॉफ्टनेस नहीं आएगी। तो आप बेसन का जितना आप बेसन लेते हैं उसका आधा घी लीजिए। और टोटल हमें इसे 15 से 20 मिनट तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते चलाते इसे पकाना है। देखिए कुछ 4 से 5 मिनट हो चुके हैं घी डालने के बाद, और हमारा जो बेसन है कुछ इस तरह का हो गया है। ये थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता रहेगा। देखिए अब ये गाढ़ा हो गया है थोड़ा। इसे हमें कंटिन्यू चलाना है, हमें छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर ये जल गया तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। देखिए कुल 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे चलाते हुए। मैं मीडियम फ्लेम पे ही इसे चला रही हूँ। हल्की हल्की खुशबू आने भी लग गई है, लेकिन हमें इसे चलाना है। टोटल हमारा 20 से 25 मिनट में बर्फी रेडी हो जाती है। हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे। हमें गैस की फ्लेम हाई नहीं करनी है, हमें मीडियम फ्लेम पे ही चलाना है। कुछ 15 मिनट चलाने के बाद हमारा जो बेसन है कुछ इस तरह का हो जाएगा, तो यानी अब ये सिकने वाला है। कुछ हमें 2-3 मिनट और चलाना है। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और हमें इसे चलाते रहना है, 2-3 मिनट और चलाना है। दूसरी तरफ मैं चाशनी बना रही हूँ। मैंने एक पैन में 1 बाउल चीनी ली है जिसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 बाउल पानी। हमें चीनी का आधा पानी ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से मिलाकर चाशनी बनानी है। हमें तार की चाशनी नहीं बनानी है, बट हमें गाढ़ी चाशनी बनानी है। हमें तार वाली चाशनी लेकिन नहीं बनानी है। मैं आपको दिखाऊंगी हमें किस तरह की चाशनी बनानी है। हमें सारे मेजरमेंट के लिए 1 ही बाउल रखना है, उसी से सारे मेजरमेंट लेने हैं। बेसन, चीनी, घी, पानी सभी के लिए 1 ही बाउल यूज़ करना है। देखिए मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है, फिर भी मैं इसे 2 से 3 मिनट चलाती रहूँगी। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कलर, ताकि जो हलवाइयों वाली बर्फी जो होती है वैसा कलर लाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा कलर ऐड किया है ऑरेंज। और गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है, हमारी कढ़ाई अभी गर्म है इसलिए मैं इसे थोड़ी देर चलाती रहूँगी। दूसरी तरफ हमारी चाशनी भी बनने वाली है, रेडी होने वाली है। देखिए चेक कर लेते हैं पहले हम कि ये रेडी हुई है या नहीं। तो हम थोड़ा सा जो हमारा, देखिए इस तरह से मैं थोड़ी सी चाशनी लूंगी अपनी फिंगर पे और इसको इस तरह से चेक करूंगी। देखिए इसमें तार बन रहा है लेकिन वो ब्रेक हो रहा है, जैसे फिंगर हट रही है दूसरी फिंगर से वो ब्रेक हो रहा है, यानी हमारी अभी 1 तार की चाशनी नहीं बनी है। तो हम इसे गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। हमें ये ध्यान रखना है जब हम चाशनी और बेसन को मिलाएंगे तो दोनों हल्के गर्म होने चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए, हल्के गर्म होने चाहिए। इसलिए हम दोनों चीज़ों को छोड़ देंगे और उन्हें हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब मैं दूसरी तरफ, जब तक वो हल्के ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं एक प्लेट पे घी लगा लेती हूँ, जिसमें हम अपनी ये जो बेसन है वो डालकर जमाएंगे बर्फी। देखिए हमारा जो बेसन है वो हल्का गरम है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चाशनी। चाशनी भी हमारी हल्की गरम है, ज़्यादा गरम हमें नहीं लेनी है। मैं 1/2 चाशनी ऐड कर रही हूँ, फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं 1/2 चाशनी दोबारा ऐड करूँगी बाकी की बची हुई, और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमें यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करना है और ये प्रोसेस हमें थोड़ी फास्ट करनी है। और देखिए चाशनी डालते ही हमारा जो बेसन है कैसे थिक हो गया है। अभी जैसे वो थोड़ा पेस्ट टाइप था, अब जैसे थिक हो गया है।
देखिए मैंने जो बची हुई चाशनी है वो भी डाल दी है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये रेसिपी कैसी लगी ट्राई करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए हमारा जो बेसन है वो बिल्कुल रेडी है जमने के लिए, तो चलिए अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसे हम प्लेट में इस तरह से डाल के तो हमें 15 से 20 मिनट के लिए हम रूम टेम्परेचर पर ही रखेंगे और ये अच्छी तरह से जम जाएगा 20 मिनट में। और हमें तार की चाशनी, जो हम चाशनी बनाएंगे उसको हमें ध्यान में रखना है, अगर वो ज़्यादा गाढ़ी हो गई तो हमारी जो बर्फी है वो हार्ड जमेगी, तो हमें ये ध्यान रखना है, तार वाली नहीं बनानी है बिल्कुल। और इस पे मैं हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। मैं यहाँ आलमंड्स ऐड कर रही हूँ कट करके, आप चाहें तो पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस पे जो वर्क का आता है चांदी वाला वो भी लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको कट करूँगी। और ये फ्रेंड्स बहुत ही सॉफ्ट बनी है और आप इसे स्टोर करके 1 मंथ के लिए भी हम स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें ना तो कोई मिल्क का यूज़ किया है ना ही मिल्क पाउडर, इसलिए ये ख़राब नहीं होगी, इसलिए आप इसे फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी बर्फी, बेसन की बर्फी बिल्कुल रेडी है, तो प्लीज़ ये इस लॉकडाउन में ज़रूर बनाइए। ओके फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।